करने की? What? मैं बस मोबाइल में था और गलती से आपको धक्का लग गया, that's it. मुझे गलत फहमी हो रही है, तो जैसे हो ना मैं अच्छे से जानती हूँ. ये बस एक गलती थी और मेरा ध्यान कहीं और था. और अच्छा बहाने बनाएगा, पुलिस के पास ले जाऊँ तब सच बोलेगा? मैम ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है. What happened? Look at him यार, दिन दिहाड़े मुझे टच करके चला गया. ऐसे लोगों को ना पुलिस स्टेशन में ही लेके जाना चाहिए. मैम व्हाट पुलिस स्टेशन? अकेली लड़की देखी नहीं कि चालू. पूरा टोटल कंफ्यूजन है मैम, बस ये सब की कोई जरूरत नहीं मैम. आप पुलिस स्टेशन चलिए. क्या हुआ मैडम? देखिए ना सर, दिन दिहाड़े मुझे धक्का मार के चला गया. क्या रे, क्या कर रहे तू इधर? आप कौन है भाई साहब? बहुत हीरो बन रहे क्या रास्ते पे? आप क्यों बीच में पड़ रहे भाई साहब? आप जाइए. एक मिनट भाई साहब, इसे ना पुलिस स्टेशन लेके जाइए, तभी इसको समझेगा क्या होने. मैम पुलिस स्टेशन बहुत ज्यादा बोल रहा है. पुलिस स्टेशन चल, तू ना दाखो तो सर. क्या कर रहे हो पुलिस स्टेशन जाने? देखिए मैम पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं. आप गाड़ी साइड में कीजिए. देख सब कुछ ठीक हो जाएगा. ओके प्लीज संभाल अपने आप को. सब देख, हम लोग को ये एक चांस देना चाहिए. कोई चांस वांस नहीं, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन लेके जाना है. एक्चुअली ऐसे लोगों को ना पुलिस स्टेशन में ही ठीक लगता है. शर्म आ रही है, दिन दहाड़े लड़की को मोलेस्ट कर रहे हो. देख फैमिली ओरिएंटेड लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तैयार है तो फिर ठीक है. नहीं आज इसके साथ हुआ है, कल हम में से किसी और के साथ हो सकता है. वी शुड हेल्प. I have not done that, ma'am. और आपको जो भी सफाई देनी है आप पुलिस स्टेशन में जाके दीजिए, यहाँ पर कुछ मत बोलिए. I have not done anything, ma'am. Please. Please. You're such a pig. और आप प्लीज गाड़ी चलाइए और पुलिस स्टेशन में जाके आपको जो सफाई देनी है दीजिए, यहाँ पे कुछ मत बोलिए. मैम देखिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नो पुलिस स्टेशन मैम, नो पुलिस स्टेशन. प्लीज प्लीज लीव मी. कितना मिला? 5,000. वो देख दूसरा बकरा आ रहा है, वो ऑलरेडी उसके सामने है.